आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूज चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अंकिता स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूक्रेन का समर्थन करने के लिए चीन पर अमेरिके का दबाव, अब कर्नाटक के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा भगवद गीता का पाठ। तुमकुर के पास हुआ हादसे में 8 लोगों की मौत, 20 गंभीर रूप से घायल। ईंधन की मौतों में बढ़ोतरी के डर से खरीदारी में वृद्धि। नगर क्षेत्र में रंगोत्सव का उत्साही समापन, विधायक अभय पाटिल की पहल पर रंगपंचमी के बाद स्वच्छता अभियान। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिल मिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। 3 हफ्ते बीत चुके हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म नहीं हुआ है। रशिया सेना यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर हवाई हल्ले और गोलीबार कर रही है। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के देश दोनों देशों के बीच युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका समेत कई देश रशिया पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर वैश्विक घटनाक्रम जारी रहा तो रशिया का समर्थन करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। द गार्डियन संस्था के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 2 घंटे तक फोन पर बात हुई। वार्ता रशिया यूक्रेन युद्ध और अन्य मुद्दों पर केंद्रित थी। अब कर्नाटक के स्कूलों से पढ़ाया जाएगा भगवद गीता का पाठ। कर्नाटक राज्य सरकार स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि बच्चों में सांस्कृतिक मूल्यों का लोप न हो सके। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री पीसी नागेश ने कहा, गुजरात सरकार भी स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाने की योजना बना रही है। उसके बाद अब कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को ऐसा ही किया, लेकिन ऐसा करने से पहले शिक्षा विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी। नागेश ने संवाददाताओं से कहा कि गुजरात सरकार ने 3 से 4 चरणों में पाठ्यक्रम में नैतिकता को शामिल करने का फैसला किया है। तदनुसार हमें जानकारी मिली है कि भगवद गीता को पहले चरण में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के स्कूलों में नैतिकता की शिक्षा दी जाए या नहीं, इस पर फैसला मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी से चर्चा के बाद लिया जाएगा। स्कूलों में नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी, वह रामायण और महाभारत की कहानियों पर आधारित पाठ पढ़ाती थी। कर्नाटक में ऐसा कुछ भी करने से पहले शिक्षा विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। तुमकुर के पास हुए हादसे में 8 लोगों की मौत, 20 गंभीर रूप से घायल। तुमकुर जिले के पावगढ़ के पास एक बस के पलट जाने से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दर्दनाक हादसा शनिवार सुबह हुआ। पता चला है कि मरने वालों में कुछ छात्र भी शामिल है। तुमकुर पुलिस ने इस खबर की पुष्टि की है। हादसा इतना गंभीर था कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब बस चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया। बस में करीब 60 यात्री सवार थे। पता चला है कि इस भीषण बस हादसे में घायलों में 8 की हालत नाजुक बनी हुई है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के डर से खरीदारी में वृद्धि। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद थी। कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ेगी। यही वजह है कि इन शुरुआती 15 दिनों में देश में पेट्रोल डीजल की बिक्री कोरोना पूर्व बिक्री के स्तर को पार कर गई है। ईंधन की ऊंची कीमतों के डर से ड्राइवर और डीलर अपने टैंकों को पूरी क्षमता से भरने
करने का विकल्प चुन रहे हैं। यह हाल ही में जारी ईंधन बिक्री के आंकड़ों से स्पष्ट है। ईंधन उद्योग के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों जो भारत के तेल बाजार का लगभग 90% नियंत्रित करती है, 1 मार्च से 15 मार्च के बीच 12.3 लाख टन पेट्रोल बेचा। यह पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। यह 2019 की तुलना में 24.4% की वृद्धि है। नगर क्षेत्र में रंगोत्सव का उत्साही समापन। 2 साल बाद बेलगाम के लोगों ने पारंपरिक तरीके से जल्लोष में रंगोत्सव मनाने का अवसर लिया। बेलगाम के लोगों ने शुक्रवार को अभूतपूर्व उत्साह के साथ रंगोत्सव मनाया। क्योंकि इस वर्ष कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए युवाओं का उत्साह अधिक था। कहीं त्योहार के लिए रेन डांस तो कहीं सूखे रंगों का प्रयोग किया गया। शुक्रवार सुबह से ही उत्साह का माहौल शुरू हो गया। इसके लिए नगर क्षेत्र में विशेष पाइपलाइन बिछा कर रंग पंचमी का आयोजन किया गया। चवाड़ गली, खड़क गली क्षेत्र जल्लोषी नृत्य की खोज सभी का मन मोह रही थी। पारंपरिक लोटांगन पांगुल गली में अश्वत्थामा मंदिर के सामने रंग पंचमी का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। बेलगाम के होली पर्व को एक अलग ही शोहरत देने के लिए वैक्सीन डेपो मैदान में होली मिलन उत्साह का आयोजन किया गया। महोत्सव का आयोजन बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल जी ने किया था। देखा गया कि इसमें बड़ी संख्या में युवा खेल रहे थे। रंगों की बौछार में खेल रहे युवाओं ने रंगोत्सव धूमधाम से मनाया। शहर के कोने कोने से युवाओं की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। इस पर्व की शुरुआत में विधायक अभय पाटिल जी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। विधायक अभय पाटिल की पहल पर रंग पंचमी के बाद स्वच्छता अभियान। रंग पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को यहां वैक्सीन डेपो मैदान में रंगोत्सव मनाया गया। इसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और उसे सफल बनाया। लेकिन उसके बाद इस जगह पर बनी गंदगी को दूर करने आए अभय पाटिल ने मार्गदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की। इसके तहत नगर क्षेत्र के वैक्सीन डेपो मैदान में सफाई अभियान चलाया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जबरदस्त अच्छी प्रतिक्रिया मिली। रंग बिखरने के लिए लाए गए प्लास्टिक और बातलों जमीन पर पड़ी थी। इस जमीन पर किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथ ही नागरिकों ने अपने विचार व्यक्त किए थे कि मैदान को एक बार फिर खेल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए विधायक अभय पाटिल जी ने स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831-240-5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. Belgaum Vasiyon ke pasand mein utra Udaan Bar and Restaurant. Social distancing ka khayal rakhte hue hamara staff deta hai बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831-243577। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत।
हर साल की तरह शास्त्री नगर में पारंपरिक तरीके से होली का त्योहार मनाया गया। इस क्षेत्र में होली पूजन के लिए गंगेश्वरी जंगले, गीता जाधव, अनीता नाईक, अनीता जंगले, मालती पाटिल, पूनम दरवंडर, शर्वरी गाथा दड्डीकर, श्रेयस जंगले, गणेश दड्डीकर, लक्ष्मण जंगले, आदित्य जाधव, आकाश जंगले, ज्योतिबा दरवंडर मौजूद थे। वहीं युवा वर्ग के साथ साथ अन्य महिला एवं पुरुष समूह भी मौजूद रहे। सब्जी मंडी के मुद्दे पर अब बेंगलोर में होगा आंदोलन। गांधीनगर में निजी सब्जी मंडी को बंद करने की मांग को लेकर किसान एपीएमसी में डेढ़ महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को और बढ़त मिलेगी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए व्यापारों ने अब 21 से 23 मार्च तक बेंगलोर में आंदोलन करने का फैसला किया है। सब्जी मंडी में व्यापारियों ने 3 फरवरी से आंदोलन शुरू कर दिया है और पूछा है कि बेलगाम में जब सब्जी मंडी थी तो दूसरी मंडी को अनुमति क्यों दी गई। इस आंदोलन को डेढ़ महीने हो चुके हैं, इसके बावजूद मांगों की अनदेखी की जा रही है। इसके लिए व्यापारों ने चलो बेंगलोर का आह्वान किया है। इसकी रूपरेखा तय करने के लिए आंदोलन स्थल पर बैठक की गई। तदनुसार राज्य भर के किसानों के साथ बेंगलोर में विधानसभा के सामने 3 दिवसीय आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इस आंदोलन के दौरान बेलगाम सब्जी मंडी का मुद्दा भी सरकार के सामने लाया जाएगा। मंत्रियों को भी बयान जारी किया जाएगा। इसके लिए करीब 250 व्यापारी और किसान रविवार को बेलगाम से बेंगलोर के लिए रवाना हो रहे है। भवानी नगर हत्याकांड की जाँच तेज। भवानी नगर के रियल इस्टेट कारोबारी के हत्या के मामले में पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस कुछ संदिग्धों को उठाकर जांच की दिशा बदलने की कोशिश कर रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा और मामले के सभी असली संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस अधिकारियों ने ऐसा कहा। 15 मार्च को राजू दोडमनावर उम्र 41 मूल निवासी हल्का बस्तवाड़ इनकी हत्या का खुलासा हुआ था। पुलिस इस नतीजे पर पहुंचे है कि हत्या आर्थिक लेनदेन के जरिए की गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वह अभी भी अपराधी के साथ गुरुवार को एक वकील भी था जब वडगांव थाने में कोई अधिकारी नहीं था। वकील के मुताबिक हत्याकांड का यही आरोपी है। अधिकारियों ने थाने जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उनमें से 2 डमी थे। तो क्या एक संदिग्धों को उठाकर इस मामले की दिशा बदलने की कोशिश की जा रही है, ऐसा सवाल पुलिस पर भी चढ़ा है। इसलिए नई जांच शुरू की गई है। कोगनोली में 110 केवी बिजली सबस्टेशन का उद्घाटन। कोगनोली में नवनिर्मित 110 केवी सबस्टेशन का उद्घाटन निपानी विधायक और चैरिटी मंत्री शशिकला जोले और सांसद अन्ना साहेब जोले ने किया। इस अवसर पर श्रीकांत ससालहट्टी, वेंकटेश एस आर कोरव, शारदा अंकलगी, एस तारदाले, अक्षय चौगुले के साथ केपीटीसीएल कर्मचारी और हेस्कॉम कर्मचारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी दिलीप जाधव और ग्राम पंचायत कर्मचारी उपस्थित थे। कोगनोली में 110 केवी सबस्टेशन से कोगनोली, मट्टीवड़े, भटंदूर, सुलगांव, भिवशी सहित गांव को लोगों को स्थायी बिजली आपूर्ति होगी। सफाई कर्मचारियों के लिए बीमा योजना। बेलगाम शहर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी। निगम के पास करीब 1200 संविदा सफाई कर्मचारी है, उनके पास स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की सुविधा नहीं है। नगर निगम में सार्वजनिक रूप से नियुक्त हॉल होने पर नियमित सफाई कर्मचारियों को बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसी के तहत उन्हें बीमा कवर दिया गया। इसके अलावा नियमित सफाई कर्मचारियों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य पुनरुद्धार योजना से चिकित्सा बीमा मिलती है। हालांकि संविदा कर्मचारियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से ठेका श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का विकल्प सामने आया। हालांकि अधिकांश सफाई कर्मचारियों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है, इसलिए उन्हें यह सुविधा नहीं मिल पाती है। जिनके पास एपीएल कार्ड है उनके पास यह सुविधा है, लेकिन उन्हें यह 100% नहीं मिलती है। इसलिए सरकार ने
ने ठेका सफाई कर्मचारियों को बीमा कवर देने का आदेश जारी किया है। इसकी कार्रवाई नगर निगम करेगी। निगम ने पिछले महीने मीडिया प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए थे, उसके माध्यम से स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। इसी क्रम में अब ठेका सफाई कर्मचारियों को सुविधा दी जाएगी। उन्हें दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा दोनों प्रदान किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक बीमा कंपनियों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। स्नातक परीक्षा 21 मार्च से शुरू होगी। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों की द्वितीय और तृतीय वर्ष की डिग्री की परीक्षाएं 21 मार्च से शुरू होगी। हालांकि इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के कारण डिग्री के पहले वर्ष के लिए परीक्षाओं की योजना बनाने में कठिनाइयां आ रही है। मार्च का महीना खत्म हो गया, फिर भी परीक्षाओं की घोषणा नहीं हुई। इससे छात्रों में भी हड़कंप मच गया है। छात्र मांग रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को भी अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। डिग्री के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए सेमिस्टर परीक्षा वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। एक बार परीक्षा देने के बाद विश्वविद्यालय जाना आसान हो जाता है। हालांकि इस साल राज्य ने प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। इस नीति को अपनाने में कठिनाइयां है। 8 दिन पहले विश्वविद्यालय ने दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाओं की घोषणा की थी। सरकार रॉयल मराठा रामनगर टीम ने जीता खिताब। रोहित अशोक देसाई ने लगातार 3 छक्के लगा के हैट्रिक किया, जिसके चलते सरकार रॉयल मराठा रामनगर टीम के लिए जीत का शेर का हिस्सा लिया। सरकार रॉयल मराठा रामनगर ने खानापुर में आयोजित सीमित ओवर के टेबल टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में खानापुर कॉलेज बॉयज को हराया। सरकार रॉयल मराठा रामनगर टीम विजयी ट्रॉफी के साथ नकद 1,21,000 रुपए जीती। कल सामरा में कुश्ती का मैदान। रविवार 20 तारीख को होली के अवसर पर कुश्ती समिति द्वारा कुश्ती मैदान का आयोजन किया गया है। मुख्य कुश्ती मैच महान भारत केसरी प्रवीण कुमार हरियाणा और कुड़वाड़ी अखाड़ा के दादा मुलानी के बीच होगी। कुश्ती नंबर 2 कर्नाटक केसरी संगमेश बिरादार विरुद्ध मोतीबाग तालीम कोल्हापुर के अरुण भोंगड़े। तीसरी लड़ाई शाहपुरी तालीम कोल्हापुर के अमोल बागवे विरुद्ध शिवराय अखाड़ा कुड़वाड़ी के शुभम मुसले इनके बीच होने जा रही है। सिकंदर शेख सावगांव कुश्ती के मैदान में जीता पहला स्थान। सावगांव में जय हनुमान कुश्ती संघ एवं ग्रामीणों द्वारा आयोजित कुश्ती के मैदान में महान भारत केसरी सिकंदर शेख ने जीता पहला स्थान। भारत केसरी दिल्ली के पहलवान प्रवीण कुमार ने बाई और धोखा देकर सावगांव की जमीन पर मारा। इस अखाड़े में कुल 58 कुश्ती मैच हुए। नंबर 1 कुश्ती में सिकंदर शेख पहले ही पहल से आक्रमण है। दोनों के बीच 1 मिनट तक संघर्ष चलता रहा। 1.5 मिनट के बाद सिकंदर शेख ने प्रवीण कुमार को चीटिंग लेफ्ट का उपयोग करते हुए दिखाया। रत्न कुमार मठपति ने रेफरी के रूप में काम किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यही समाप्त हुए। धन्यवाद।